हेलो एवरीवन, सो द कॉलेज रियलिटी शो के अंदर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। ओके, एंड सो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, यार बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी आ रही थी मेरे पास इसके रिगार्डिंग, बिकॉज बेनेट यूनिवर्सिटी इन दिस ईयर एंड गेटिंग द यूजिंग द CUET एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिशन प्रोसेस, तो इसके बारे में आज अपन कंप्लीट में चर्चा करेंगे। फाड़ू वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा क्या इसकी खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या बेनेट यूनिवर्सिटी मचा रहा है, क्या यह फोड़ रहा है, क्या इसका प्लेसमेंट 53 लाख गया है कभी, क्या यह सच है, क्या यह झूठ है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जनरली आपने लोगो वगैरह के नीचे लिखा होगा कि द टाइम्स ग्रुप, इसका क्या मतलब होता है? क्या ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो ग्रुप है उसका कॉलेज है? क्वेश्चन आ रहा होगा ना आपके भी दिमाग में, जैसे BML मुंजाल यूनिवर्सिटी है वो हीरो ग्रुप का कॉलेज है, तो क्या ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का कॉलेज है क्या? राइट, सो हम आगे बढ़ते हैं। अब तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वारी आई है मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन जो है इस बार ये जो है CUET टेस्ट भी लेने वाला है। ओके, क्योंकि आप CUET की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। एंड अब हम इसके कुछ स्टूडेंट्स को मैंने फॉर्म वगैरह दिया था, कांटेक्ट वगैरह जितने हो पाया, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा किया है। एंड कुछ हम जो हमारे गूगल बाबा का भी इशारा लेंगे इसके रिगार्डिंग कि उनके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अगर अपन देखें यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें, तो जो बेनेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है दिस इज शोइंग दैट कि हमारे पास यहाँ पे 53 लाख का प्लेसमेंट गया, राइट। और जस्ट लोएस्ट प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें देन 1.5 लाख टू 2 लाख का लोएस्ट प्लेसमेंट गया। एवरेज प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें यहाँ से, तो 4 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट गया। एंड जस्ट बहुत सारी जगह आपको गूगल पे वेबसाइट पे 6 से 7 लाख का दिखाई देगा, लेकिन जो है हम 4 लाख का, 4 LPA का मान के चल रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं एज पर माई टीम रिसर्च। ओके, अब हम कुछ जो है कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेजरली जो है कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है, राइट। जैसे अडोब है, अमेजोन है, अमेजोन सर्विसेज है, सिस्को है, कोको कोला है, पेपाल है, डेल है, गूगल है, ऐसे ऐसे कुछ, जस्टपे वगैरह, ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा कि कितनी कितनी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ पे विजिट करती है जो कंपनीज है प्लेसमेंट के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारा जो है मिशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर जो इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हमारी टीम जो है आपका एडमिशन करवाती है। एंड जस्ट यू कैन गेट द प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट एट लीस्ट 10 to 15 लाख रुपीज। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और हेल्पलाइन नंबर, काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन कॉन्टेक्ट नाउ एंड गेट द प्लान, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। कुछ स्टूडेंट ने मेरे को गलत भी लिख के भेजा है, बहुत सारे ने मेरे को अच्छे भी लिख के भेजा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों का क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि भैया जो है कैंपस कैसा है, कैसा कैंपस है, बच्चे यहाँ पे कैसा फील करते हैं, गार्डन कैसा है, और यही प्लेसमेंट तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हरियाली कितनी रहती है वहाँ पे, राइट। सो इसके बारे में भी आज हम कंप्लीट में डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो है कुछ कंपनीज मेरे पास जस्ट लाइक BA वगैरह के लिए भी जस्ट कुछ दिया गया है, जैसे कि कुछ NDTV, India TV, टाइम्स इंटरनेट, पब्लिक मीडिया, शॉप क्लोज, ऐसे कुछ कंपनीज यहाँ से रिक्रूट भी करती है, राइट। BBA का प्लेसमेंट अगर अपन बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 9 to 10 लाख रुपीज ऐसे कुछ, एंड जस्ट लाइक जो है एवरेज प्लेसमेंट 5 to 6 लाख ऐसे कुछ, ठीक है। यार वैसे जनरली प्लेसमेंट के मामले में बहुत खतरनाक लग रहा है मेरे को। BBA के अंदर भी जस्ट जो है कुछ अच्छी कंपनीज यहाँ से रिक्रूट कर लेती है, जैसे जोमेटो है, कोटक लाइफ है, जोन मीडिया वगैरह वगैरह। ओके, एंड कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज और क्वेश्चन थे, ठीक है। एंड इसके कुछ अच्छे बेनिफिट है, बुरे बेनिफिट्स क्या है, कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पे इंटर्नशिप भी लगती है कि नहीं लगती, तो हम पहले अच्छी बातें कर लेते हैं कि क्या क्या अच्छी बातें हैं स्टूडेंट्स की। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को बोला है कि जस्ट जो यहाँ पे इंटर्नशिप का चांसेस मिला है विथ NALSER, जस्ट लाइक NLSIU बेंगलोर एंड जस्ट NLU दिल्ली, TISC एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप एंड मैनी मोर, यानी कि यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, ठीक है, होता है प्लेसमेंट। एंड जस्ट लाइक प्रोफेसर्स की एजुकेशन क्वालिटी की अगर अपन बात करें देन इट्स गुड।
लेकिन यार एक मेरे पास एक क्वारी आ रही थी कि भैया जो है यहाँ पे वो सबसे जो बड़ा जो इंडिया में प्रॉब्लम चल रहा है वही प्रॉब्लम यहाँ पे लेक्चर बेसिस वाला। यार जो फर्स्ट ईयर वालों को टीचर पढ़ा रहे हैं वही सेकंड ईयर वालों को पढ़ा रहे हैं, वही सेकंड सेम को पढ़ा रहा है, वही थर्ड सेम को पढ़ा रहा है। टीचर की जो क्वांटिटी है दिस इज लो, ठीक है, मतलब क्वांटिटीज कम है इनके पास। कुछ अच्छे बुरे आए हैं मेरे पास, जस्ट लाइक प्लेसमेंट कंपनीज आर विजिटेड, लेकिन जो प्लेसमेंट है वो सिर्फ करीम बच्चों को मिल रहा है। यार करीम तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए देन करीम तो तुमको बनना ही पड़ेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं एवरेज रह के जी लूँगा देन इट्स नॉट गुड। अपनी फील्ड के अंदर जो है ना स्मार्ट बनो, लेकिन ये जो इसमें लिखा है दिस इज वेरी बैड कि जो है जो बच्चे करीम चीज़ें हैं उनका ही इतना प्लेसमेंट हो पा रहा है, जो बच्चे करीम नहीं है एवरेज है उनके कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं उनका, ठीक है, और कोई कॉलेज अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, राइट। एंड जस्ट लाइक कुछ स्टूडेंट अच्छी इंटर्नशिप प्राप्त भी कर रहे हैं लेकिन जस्ट लाइक कुछ भी नहीं भी कर रहे हैं, बट दे आर अनफेयर इंटर्नशिप विच इज अनफेयर एंड वट एवर यू वट वी डू राइट, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी कुछ है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात कर लेते हैं, तो यार फूड इज मिन मेस वेरी बैड, ये ऑल ओवर द इंडिया IIT से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं, जस्ट लाइक IIT BHU है, IIT रोपड़ है, कि भैया खाना अच्छा नहीं मिलता हमें, ठीक है। फूड की मेस के अंदर प्रॉब्लम ऑल ओवर द इंडिया है सब कॉलेजों में, एंड जस्ट लाइक जो भी इनका कैफे एरिया है या फिर कैंटीन है दिस इज गुड नॉट एक्सीलेंट ओके। एंड जस्ट लाइक इसके अंदर कुछ बास्केट जो भी बास्केटबॉल होता है, बैडमिंटन होता है, फुटबॉल, टेनिस टेबल एंड जस्ट लाइक जिम एंड स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल है क्या, नाइस। एंड क्लासरूम आर क्लीन एंड देयर इज एयर कंडीशनर ऑल ओवर द कैंपस, नाइस, अच्छी बात है, राइट। अब अपन कुछ फैकल्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो द टीचर ऑल कम फ्रॉम गुड बैकग्राउंड एंड वेल एडुकेटेड, बट सम ऑफ टीचर्स आर नॉट वेल एंड सूटेड फॉर टीचिंग एंड जस्ट लाइक आर नॉट एबल टू टीच प्रॉपरली, ठीक है। एंड टीचर्स एंड जो भी डीन लीव कॉलेज इन देयर विम्स एंड लाइक फैंसी विद नो टेंशन टू स्टूडेंट्स कैरियर एज हाउ स्टूडेंट विल कॉफ अप विद अदर न्यू टीचर, क्या कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ अच्छा यह भी बता देता हूँ आपको कि द बेस्ट थिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी दैट ऑलमोस्ट ऑल फैकल्टी फ्रॉम PhD होल्डर फ्रॉम IIT NIT एंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है। तो यार ऑलमोस्ट जो है इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी रिसीव हुई है, ठीक है, एडमिशन लाइक कॉलेज है, लेकिन फीस का थोड़ा आपका इश्यू आ सकता है।